हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अभी शाम के 4 बजे का टाइम हुआ है और इस समय मेरी तैयारी है खेतों में जाने की। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आज आप सबका स्वागत है जी गाँव की हसीन वादियों से। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको गांव के भ्रमण में भी दिखाते हैं। उधर देखिए, सब के सब खेतों में काम कर रहे हैं। तो कोई क्यारी बना रहा है, मतलब कोई आलू की गुड़ाई कर रहे हैं, कोई आलू लगा रहे हैं और कोई कुछ लोग मंडवे की लवाई कर रहे हैं और कोई प्याज की बुआई कर रहे हैं, जो कि प्याज का बीज होता है उसकी बुआई कर रहे हैं। ये देखो, और दीदी जी यहाँ पे मंडवे की लवाई कर रहे हैं, लेकिन मंडवा तो अभी हो ही नहीं रखा। ये हरा हरा मंडवा क्यों? भालू की डर से ना? अरे मंडवा ये भालू के डर से। देखो, और ये देखो, और ज्योति बोल रही है कोदा है, मंडवा नहीं है। ज्योति, इसको मंडवा भी बोलते हैं और रागी भी बोलते हैं इसको, ठीक है? हाँ, सुबह में अर्जेंट बैठा हुआ कम है ना, नाच हुए थे नहीं दिन। ये माँ पर मैं मोल है कुपल है कब्बे वैसे सोचना चौपल हम ये मंडा से कुआं से हो तो आजकल के बच्चों ने क्या जानना है कि ये मंडवा है कि कोदा है, इसी को तो बोलते हैं मंडवा भी कोदा भी। और वहां पे देखिए, यहाँ पे प्याजों की क्यारियां बन रही है। मंडवे की लवाई देखो इस तरह से करते हैं, इस तरह से थैला बनाना पड़ता है और काट के ऐसे उसमें रखना पड़ता है, और तब जब ज्यादा थैले में भर जाएगा तब दूसरे सामने बोरी में डालना है। ज्योति, तुम्हारे गांव में भी होता है मंडवा खूब? और वहाँ देखो बच्चों के बैंड बाजे तैयार हो गए हैं। अब हर टाइम तेरी बोल गालू। और ये हमारा बैंड बाजा भी है देखो। और रात को कितने बार उठती है दीदी यहाँ पे इसको बजाने के लिए? दीदी भाषा तो बोल। और मुझे लहसुन की गुड़ाई करनी है। तो ये लहसुन अभी छोटा छोटा हो रखा है, लेकिन अभी इसकी गुड़ाई करनी है तभी अच्छा होगा। और प्याजों की क्यारियाँ देखो, 2 क्यारियाँ बना रखी है मैंने। और ये आलू भी अंकुरित हो रहे हैं देखो, मतलब सब चीज़ ठीक हो रहा है। जहाँ पे आलू दिखेंगे दबा देना भाई, आलू तो ऊपर ही आ रखे हैं यहाँ हैं। फक फको नान बड़ी हाँ, बीज अनुसार बढ़ाने बैठ गए। और ये प्याज की क्यारियाँ बन रही हैं, मतलब यहाँ पे बीज बोया जाएगा। और विद्या ने कितने क्यारे बनाए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सारा गांव वालों होने जाला है। ये देखो, हाँ, और ये क्यारियाँ यहाँ पे प्याज के बीज बोए जाएंगे, फिर प्याज यहाँ से दूसरी जगह पे लगते हैं जब पौध हो जाएंगे ना। तो बढ़िया, ये बिजवाड़ है इसको बोलते हैं, बिजवाड़ मतलब पौध, खेप खेप खेप। यहाँ पे प्याज की बुआई हो गई है। और अब इस तरह से देखो, ये पॉलिश लगेगा इस तरह से, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा। बाद में लोग बोलते हैं कि वाह इतने किलो प्याज इतने महंगे हो गए। तो देखो, थोड़ी सी मदद मैंने भी कर दी और 3 जनों की दिहाड़ी है ये।
इस तरह से लगेंगे। और वहाँ पे बुआई हो गई है तो ये जैसे मिस्त्री नहीं करते पॉलिश ऊपर से, तो इस तरह से करना पड़ता है। देखो तो एक क्यारी लहसुन की गुड़ाई भी कर दी है मैंने, और किरण की मम्मी ने थोड़ा हेल्प कर दी मेरी, क्योंकि मैंने उनके साथ वहाँ पे बीज की बुआई में हेल्प की थी। तो इसी तरह एक दूसरे की हेल्प से तो काम पूरा हो गया। वो वाली क्यारी बच रखी है तो वो मैं सुबह सुबह करूँगी। अब मिर्ची पकने भी शुरू हो गए, देखो जैसे ही धूप हुई तो इस तरह से मिर्ची, अब मिर्ची ही मिर्ची, तो बहुत सारा काम होने वाला है। अब अपने हथियार अभी यहीं पे छोड़ देती हूँ, सुबह मुझे आना है और इसमें पानी डालना है। और ये वाला, ये देखिए, ये कपड़ा भी रखा हुआ है, और ये बारिश के डर से रखा हुआ है कि अगर अचानक बारिश आएगी तो हम जो प्याज के बीज बोया है उसमें ऊपर से डालना पड़ेगा, नहीं तो बीज ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं, और काफ़ी शाम भी हो गई है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो मैं सुषमा गोसाई मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।